नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं ट्राई क्या है। भारत सरकार द्वारा देश के हित के लिए ट्राई की स्थापना की गई, जो एक प्रकार की संस्था है। इसी के ऊपर आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूं कि ट्राई क्या है, ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई के नियम और कार्य की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज। तो बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और हमारी चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करना तो वीडियो के नीचे अप्लॉज बटन को दबाकर आप हमारी चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ट्राई एक ऐसी संस्था है जो देश में दूर संचार के विकास के लिए दशाओं को इस प्रकार निर्मित करती है, जिससे भारत उदयमान वैश्विक सूचना समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में सफलता प्राप्त कर सकता है। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को दूर संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी। ट्राई का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, सुसाधे एवं सभी को बराबरी का अवसर प्रदान करना है, जिसके लिए ट्राई निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीति का माहौल प्रदान करने का लक्ष्य तय किए हुए है। यदि आप भी ट्राई के विषयका में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। ट्राई एक प्रकार की संस्था है जिसकी शुरुआत 20 फरवरी 1997 में कर दी गई थी। ट्राई एक ऐसी संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष एवं न्यूनतम दो और अधिकतम 6 सदस्य शामिल किए जाते हैं और केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन ट्राई में केवल वही अध्यक्ष शामिल किए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों या फिर वह पहले रह चुके हों, इसके अलावा या फिर वह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर पहले रह चुके हों। वहीं ट्राई में उन सदस्यों को शामिल किया जाता है जो दूर संचार, उद्योग, वित्त लेखांकन, विधि प्रबंधन एवं उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में से किसी में विशेष ज्ञान एवं पेशेवर में पूर्ण रूप से अनुभव प्राप्त कर चुके हों और उसे हर बात की जानकारी हो। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं ट्राई के नियम। जब किसी ग्राहक को टेलीकॉम ऑपरेटर के प्रति शिकायत करनी होती है, वह अपनी शिकायत ट्राई को ही करता है। इसके बाद यदि कोई ऑपरेटर दिए गए रोल रेगुलेशन का उल्लंघन करता है तो ट्राई उसके प्रति कार्रवाई कर सकता है। तो अब हम जान लेते हैं ट्राई के क्या क्या कार्य होते हैं। ट्राई नए सेवा प्रदाताओं के लिए सर्वे एवं जरूरतों की अनुशंसा करने में काम करता है। ट्राई एक सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस की सेवा शर्तों की अनुशंसा करने के काम की जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। ट्राई ही एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सुसंगतता एवं प्रभावी बनाने का काम करता है। ट्राई का यह उद्देश्य है कि वह सेवा प्रदाताओं को दूर संचार सेवाओं के प्रदायन से प्राप्त राजस्व का सेवा प्रदाताओं के बीच हिस्सेदारी के प्रबंध का विनियमन कर सके। ट्राई लाइसेंस हेतु सेवा शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का काम करता है। ट्राई द्वारा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के मध्य दूर संचार के स्थानीय एवं लंबी दूरी सर्किटों की समयावधि सुनिश्चित करने का काम किया जाता है। यह दूर संचार सेवाओं के प्रचालन एवं प्रतिस्पर्धा को सुसाध्य बनाता है और इन सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य दक्षता को बढ़ावा देने का काम भी करता है। यह दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। ट्राई ही है जो सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करता है और सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया कराए जाने वाली सेवाओं को आवधिक सर्वेक्षण करता है। यह नेटवर्क में प्रयुक्त उपकरण की जांच करता है और सेवा प्रदाताओं द्वारा उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।
यह सेवा प्रदाताओं के मध्य विवादों की सभी समस्याओं का समाधान करता है। यह संस्था विनियमों द्वारा निर्धारित इन सेवाओं के संबंध में दरों पर शुल्क एवं अन्य भारों का आरोपण करता है। यह सार्वभौमिक सेवा दायित्वों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों को करने की जिम्मेदारी निभाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ट्राई से जुड़ी हुई। ट्राई क्या है, ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है और ट्राई के क्या क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।